सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। एक वक्त था सुन्नी रोह में थे, क्यों कि वो हक पर लचक नहीं रखते थे। जब से लचक आई है रोग चला गया। बस हवा निकल गई। आज क्यों लग रहे लोगों पर फतवे, आज क्यों लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं, ताने क्यों दिए जा रहे हैं, एक दूसरे से उलझाया क्यों जा रहा है, कहीं तो कुछ है ना। ये तो आड़ी अपनी कीतियां अगे आईया ने जिन्होंने पंजाबी च कहंदे ने। कहीं तो कुछ, कहीं लचक होगी, कहीं कमजोरी होगी, कहीं कोई खराबी होगी। हाँ वाकई वाकई। तो दुरुस्त करने का तरीका आज भी वही है। हम कल भी इमाम अहमद रजा के थे, आज भी इमाम अहमद रजा के हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, मैं यकीन से कहता हूं इनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। ओ ले जाओ फलाने अपने, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਮੌਲਾਨਾ ਵਸੀਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਦਿਸ ਸੂਫੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਕੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਮੇ ਉਨਕਾ ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਿੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਨੇ ਜਬ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਆਪ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਇਨਕੋ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਮਾਨਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि मैंने बाकी जगह इल्म पढ़ा था, दीन यहां से मिला। ओ कहानी बाजो कूड़ मार दो झूठे हो। हजरत मौलाना दीदार अली शाह साहब अलवरी, जितने उलमा जानते हैं आप तो ये नाम भी नहीं जानते होंगे, हजरत मौलाना दीदार अली शाह साहब जिन्होंने गाजी इल्मदीन की नमाज जनाजा पढ़ाई। छोड़ोल छोड़ोली है, भावे जितना मर्जी वड्डा बंदा छोड़ोल ना छोड़े, छोड़ोल छोड़ोली होती है। आला हजरत के खलीफा वो अभी आला हजरत से नहीं मिले थे। तू गजमा नु कहा जिते मर्जी था मनु के लेना देना। तो किसी ने कहा कि चलो उनके पास चलो। उन्होंने थोड़ा सा कहा कि कौन है तारुक पूरा नहीं था। इंजीनियर साहब वायरल हो गए हैं। तो कहने लगे पठान आदमी है, मिजाज के सख्त होंगे। बात तो सही है। चले तो सही। हजरत आ गए, आके बैठे। आला हजरत सादात का बहुत एहतराम करते थे। जब बैठे तो फरमाया पठान आदमी मंड के रखांगा उन्हें। फिर मैं पठान आदमी हूँ, मिजाज का आप सख्त समझते होंगे। मौलाना दीदार अली फरमाते दिल चाह रहा था कपड़े फाड़ दूं इस शख्स के लिए, अल्लाह ने इसका सीना कैसे खड़ा हुआ है। वो हजरत के खलीफा भी बने, शागिर्द भी बने, मुरीद भी बने। वो इतने बड़े बड़े हजरत जिसके बन गए, आज हम क्या चीज है। और सर बूथियां देख के पता लग जाता है। अच्छा अब तकल्लुफ ना करना। नहीं नहीं सच सच बताना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इस वक्त मुहद्दिस आजम जैसा कोई आलिम है? One minute 37 seconds later. Ah, तकल्लुफ ना करना। रहने बहुत बुरे लगे। कोई इतना नजर आ रहा है सदर शरिया का, बाहर शरीयत लिखने वाले हजरत मौलाना अमजद अली साहब जैसा इस वक्त कोई उस पाए का वैसा ही आलिम नहीं। जी रुको जरा सब्र करो। आ गया रे बाबियां दा बाबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा।